मनोज कॉमिक्स बंद होने वाली थी, यानी कि बिल्कुल लास्ट टाइम है, तो ये कॉमिक्स पब्लिश हुई थी, क्रूक बॉन्ड और लुटेरे वृक्ष। ये हंसाएगी भी, और क्रूक बॉन्ड मेरा पर्सनली फेवरेट कैरेक्टर है, चाहता हूँ कि दोबारा से रिप्रिंट हो। चलिए इसकी स्टोरी पे आपको सीधे ले चलते हैं, और इसके शानदार फ्रंट कवर को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉमिक्स कितनी इसकी मज़ेदार होगी। ये धमाका सिंह है, शानदार फ्रेम और शानदार आर्टवर्क, कदम स्टूडियो, अंसार अख्तर, संदीप अमित, लेजेंड नेम है कॉमिक्स की दुनिया में, हम इनका सम्मान करते हैं। सेठ टिल्लूराम भीपा जी ने अपने मित्र के फार्म हाउस पर जी भर कर दारू पी और रात में ही शहर लौटने की जिद पर अड़ गया। हिच, मुझे अपने घर जाना। ओए भीपा जी, आधी रात का समय है और रास्ते में जंगल भी पड़ता है, सुबह चले जाना। ओए ना, मैं जंगल से डरता हूँ ना शेर से, मुझे अभी जाना है। हिच, बहुत चढ़ गई इसे, तभी तो चूहे से शेर बन गया है। बाय बाय, चला गया, भगवान उसकी रक्षा करे। कार अंधेरी सड़क पर दौड़ने लगी। आधा है चंद्रमा रात आधिया, ओ रह न जाए तेरी मेरी बात आधी। अचानक उसे ब्रेक लगाने पड़ गया। सत्यानाश, इस सुसु के बच्चे को भी इसी समय आना था। देखने वाला तो कोई है नहीं, यही कर देता हूँ, ही। तभी एक वृक्ष की लताएं जीवित हो उठी। भीपा जी का सुसु आधा ही रह गया है। उई, लताओं से मुक्त होने का प्रयास करते हुए भीपा जी को अपनी मौत दिखाई देने लगी। नरभक्षी वृक्ष, यह मेरा सारा खून चूस लेगी। तभी एक लता उसकी जेब में घुसी और ओए मेरा बटुआ निकाल लिया। दूसरी लता ने उसकी रिस्ट वॉच खींच ली। क्लिक, ओह यह तो लुटेरा वृक्ष है। माल समेट कर लताएं तेजी से वापस होने लगी। भाप ले भीपा जी, सर्र सर्राट सर। भीपा जी ने अपनी कार को हवाई जहाज बना डाला। यह घटना तुरंत अपने यार पुलिस कमिश्नर को बतानी होगी। जूम, नींद से उठाए जाने के कारण कमिश्नर साहब हत्थे से उखड़ गए। क्यों बे पाजी, यह क्या बदतमीजी है, आधी रात को क्यों जगाया? ओए पाजी नहीं, भीपा जी, हिच बोल यार। ठीक है ठीक है, इस समय कैसे आना हुआ? ओ यार, करछापुर के जंगल के निकट मुझे एक वृक्ष ने लूट लिया है। हिच, वृक्ष ने लूट लिया? तूने दारू पी रखी है ना? हिच, हाँ यार थोड़ी सी पी है, ही। गुर्र, अंदर कर दूंगा, ठाक। पुई, ओए घर आया मैं, मित्र को पीट रहा है, तेनु शर्म नहीं आंदी? हिच, गुर्र, शर्म तुझे आनी चाहिए पाजी, दारू पीकर मुझसे मजाक करने आया है। वो नहीं मेरे यार, मेरे दिलदार, बल्कि थानेदार, मैं अपनी परजाई की सौगंध खाता हूँ, मुझे एक वृक्ष नहीं लूटा है। आए अपनी परजाई दी सौ लेकर तो आए, झूठ नहीं बोल सकता। अब कमिश्नर ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी। तू सच कह रहा है ना? हाँ, अपनी परजाई दी सौ। ठीक है, मैं इस मामले की जांच अपने सबसे सीनियर इंस्पेक्टर धमाका सिंह से कराऊंगा, लेकिन अभी तुम किसी से इस घटना की चर्चा मत करना, वरना लोगों दे बीच पैनिक फैल जाएगा। सुबह होते ही इंस्पेक्टर धमाका सिंह के घर के घंटी बजी, ट्रिन ट्रिन। अबे कौन आ मारा सुबह सुबह? तब दरवाजे पर एक जटाधारू साधु खड़ा था। अलख निरंजन, अबे दांतों पर कर लेता मंजन, क्या बकवास है यह, क्या चाहिए? वाह बे फुसकी, पटाखे के धमाके, हमसे पूछ रिया है क्या चाहिए? तमीज़ से बात करो, मैं इंस्पेक्टर धमाका सिंह हूँ, अंदर कर दिया तो नानी याद आ जाएगी। लगता है तूने मुझे पहचाना ही नहीं धम्मू, मैं टडेड़ी हूँ यार। टडेड़ी? ओ मेरे पुराने यार, तू साधु कैसे बन गया? दोनों हाथ लंबे हाथ करके मिले, संसार से मन उब गया था यार, इसलिए मैं हिमालय की तराई में जाकर साधना में जुट गया और बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त किया है तूने? टटेड़ी ने झोले की गेंद से आकार का एक पत्थर निकाला। यह है मेरी साधना का फल। अबे यह तो पत्थर की गेंद है, लगता है तेरे ऊपर भी छेद है। क्या बकरा है यार भैया, यह बड़ा चमत्कारी पत्थर है, अगर इसके सबके सामने 10 मिनट तक दृष्टि जमा कर देखी जाए तो खोपड़ी में ESP पैदा हो जाती है। आई यह ESP कौन सी बीमारी है? ओ लल्लू, ESP का अर्थ है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। जिसके पास शक्ति होती है उसे खतरों का पूर्वाभास हो जाता है। आए फिर तो यह बड़ी काम की शक्ति है, क्या मुझे भी मिल सकती है? तुझे देने ही आया हूँ, पुलिस अफसर होने के कारण यह तेरे बड़े काम आएगी, बस इस पत्थर को सामने रखकर 10 मिनट तक इस पर दृष्टि जमा कर बैठ जाओ, तेरा धन्यवाद यार। टटेड़ी को दरवाजे से ही टरका कर वह भीतर आ गया।
नहा धोकर आराम से इस पर दृष्टि जमा कर बैठूंगा। मोटू इन दोनों गांव गया हुआ था, इसलिए क्रुकबांड एकांत से बचने के लिए मनमौजी के साथ समय बिताता था। कमॉन मनमौजी, कैच इट, वुफ। मनमौजी ने गेंद पकड़ी और भीतर की ओर भागा। ओए कहाँ जा रहा है, इधर ला गेंद, वुश। मनमौजी धमाका सिंह के कमरे में पहुंचा और उसे तिपाही पर रखी दूसरी गेंद देखी, वुफ। अपनी गेंद वहां छोड़कर वह पत्थर की गेंद लिए भागा, जबकि इस घटना से बेकहर कुरकबान उस पूर्वतः उसके पीछे था, वुफ। इधर धमाका सिंह नहा धोकर बाथरूम से निकला। अभी इस पत्थर पर दृष्टि जमाता हूँ, 10 मिनट बाद। अब मेरे भेजे का ESP घुस चुका है, मुझे हर खतरे का पूर्वाभास हो जाएगा। दरवाज़ा खुलते ही उसे अपने अरमानों का रथ निकल गया धड़ाम। अरे ये बीच में बाल्टी किसने रखी है? जिसने भी रखी है उसकी तो मैंने रखी है, तुम देख कर क्यों नहीं चलते? धमाका सिंह कुछ कहता है इससे पहले ही दरवाजे की घंटी बज गई। कौन आ गया, वरना अभी तुझे बता देता। ट्रेन 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 गर्र। तुम मुझे क्या बताओगे, मैं तो तू जानती हूँ कि तुम अकल के अंधे हो। दरवाजे पर कमिश्नर को देखकर धमाका सिंह की डंडे की तरह सीधे हो गए। ससर आप, तुमसे एक बहुत बड़ी ज़रूरी बात करनी है। तो अंदर आइए सर, बात अकेले में करनी है, तभी तो तुम्हें ऑफिस नहीं बुलाया। धमाका सिंह बाहर निकल आया। कहिए सर, यहाँ सड़क के बीच हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। ओए खोते, यहाँ कोई गाड़ी हमें ठोक जाएगी। फिकर नॉट सर, मेरे अंदर ESP पावर आ गई है। मुझे खतरे का पूर्वाभास हो जाता है। अच्छा, तभी धाड़। ओह कमिश्नर आपे से बाहर हो गए। ओए तेरी ESP की, सॉरी सर, कहीं कुछ मिस्टेक हो गई, मैंने तो पूरे 10 मिनट तक नज़रें जमाई थी। बकुमत बाकी बात बाद में होगी, तुम करछापुर जाने की तैयारी करो। करछापुर क्यों सर? कमिश्नर ने उसे संक्षेप में भीपा जी के साथ सही घटी घटना बता दी। उधर कुरकबांड अपने रूम में पहुंचकर तिपाही पर जा पहुंचा। आई गुस्से में उसने बाल उठाकर फेंकनी चाही, लेकिन अचानक चौंक उठा। ओ यह तो पत्थर की बाल है, यह कहाँ से आ गई? बॉल उसने मेज पर रखी तो सौम्य उसकी दृष्टि उस पर जमकर रह गई। मन करता है इसे देखता ही रहूं। 10 मिनट बाद कुरकबांड को अपने मस्तिष्क में एक स्वर गूंजता प्रस्तुत हुआ। खतरा बापू किसी कठिनाई में पड़ने वाला है, मेरा बापू खतरे में पड़ने वाला है, यह मैं क्या सोच रहा हूँ? इस विचार के बाद वो स्वयं को रोक नहीं पाया। पुलिस स्टेशन जाके पता करता हूँ बापू कहाँ गए हैं। उधर धमाका सिंह जंगल के निकट आ पहुँचा था। लुटेरे वृक्ष की कल्पना करना ही मूर्खता है, लेकिन बात कमिश्नर साहब ने बताई है, इसलिए छानबीन तो करनी ही पड़ेगी। उसने एक एक वृक्ष को चेक करना शुरू किया। उफ, यह तो ही नहीं है, ठाक। इसे भी चेक कर लिया, लुटेरा होगा तो मुझे भी पकड़ेगा। पेड़ पर बैठे पक्षी को उसका वहाँ रुकना पसंद नहीं आया। पिचर, ओ तेरा सत्यानाश जाए। एक अन्य पेड़ को उसने ज़ोर से झंझोड़ा। ओए तू लुटेरा है क्या? तुरंत ही वृक्ष के उत्तर मिल गया। तड़तड़ाक धड़ाक आई। क्रोध से भन्ना कर वह अपनी जीप से कुल्हाड़ी निकल आया। कर काट दौड़ूंगा सालों को, जो भी हो लुटेरा होगा सामने आ जाएगा। हईसा ठाक। तभी जंगल से कुछ लोग निकले। ओए मूछड़, पेड़ क्यों काट रिया है? तू कौन है बे? हम इस देश के जागरूक नागरिक हैं, लेकिन तू पुलिसिया होकर भी नहीं जानता कि पेड़ काटना अपराध है? वो मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम अपना रास्ता नापो, मैं कुछ चेक कर रहा हूँ ठाक। अबे तेरी चेकिंग की ऐसी की तैसी। धमाका सिंह की ऐसी लात की आशंका नहीं थी। धाड़ हुई गर, पुलिस वाला होकर पेड़ों की चोरी करता है, मारो साले को। ओए नहीं, चारों ने मिलकर धमाका सिंह को धूम डाला। धड़ाक ठाक धाड़ धपा। कुछ ही मिनटों बाद धमाका सिंह पाषाणकालीन मानव दिखाई देने लगे। अब तो छोड़ दो जालिमो, अगर यह धज्जी भी उड़ गई तो मेरी इज्जत नंगी हो जाएगी। तभी कुरकबांड वहाँ पहुँचा। ए मेरे पापू को क्यों पीट रहे हो? ओ यह तो कुरकबांड है। धमाका सिंह खुश हो गया। ओए अनोखे मेरे पुत्र, इन ससुरों की भीपड़ी बजार डाल, इन्होंने तेरे बापू को बहुत मारा है। चिंता ना करो बापू, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन पुत्र को मुँह की खानी पड़ गई। धम हे गया अब खड़पच्चा गोगा के खड़पच्चे में। तू भी अपनी हिट लिस्ट में है बच्चू। बच्चू होगा तेरा बाप।
क्रुकबाण ने मुक्का मारा और नाच गया ठक पुई। ये स्टील बॉडी है बेटे, तू हमारी भीपड़ी बजाने आया था ना, हम तेरा बैंड बजाते हैं ठक ठिशुम बापू। चुपुल्लू का अट्ठा चार बदमाशों से नहीं लड़ सकता गर्र। क्रुकबाण को जोश आ गया, आ जाओ सालो एक एक की बैंड बजा दूंगे ईया। गोगा ने लपक कर फिर एक हाथ जमा दिया ढिशुम पुई। ओए मेरे पुत्र को नीचे उतारो, हम तुझे भी ऊपर भेज देते हैं बेटा। तभी गोगा की खोपड़ी तक धिन्ना बोल गई, मर गया बे, अब क्रुकबाण तुम्हें नानी याद दिला देगा। बुश फटाक हाय शाबाश पुत्र। तो ये क्रुकबाण है ज़बरदस्त मनोज कॉमिक्स का कैरेक्टर। भागो क्रुकबाण की चांदमारी के आगे वे लोग टिक ही नहीं पाए, भागो। मैदान साफ देखकर वह नीचे उतर आया। ये लोग कौन थे बापू और तुम्हारा बंटाधार क्यों कर गए? पता नहीं पुत्र, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, अचानक इन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। धमाका सिंह ने लुटेरे क्रुकबाण को लुटेरे वृक्ष के विषय में बताया। लुटेरे वृक्ष की बात गले नहीं उतर रही बापू, कमिश्नर अंकल ने तुमसे मजाक किया होगा। अच्छा ये मजाक था तो ऐसी मजाक की गाली देना बुरी बात है बापू, आओ तुम्हें घर लिए चलता हूँ। आह मेरी टांग। इधर गोगा और उसके साथी एक फार्म हाउस पर पहुँचे। बॉस गजब हो गया, बॉस ऊपर से प्रकट हुआ। धम क्यों चिल्ला रहे हो गोगा? ओह दम बॉस, एक ज़रूरी बात दिमाग में आई तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। मनोज कॉमिक्स के कुछ सफलतम कैरेक्टर उसमें से एक महानायक किड्स भी थे, जिसकी मैं कॉमिक्स कुछ तो अपलोड किया हुआ हूँ अपने प्लेलिस्ट में और बाकी मैं भी अपलोड करूँगा जल्दी। आप मेरे चैनल पर पुराने मनोज कॉमिक्स को आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तुलसी कॉमिक्स को रीड कर सकते हैं। चलिए अब आपको स्टोरी पर लेके चलते हैं। तो ये लोग जंगल में जाते हैं, वही इनका बॉस जो है कि इनके ऊपर कूदता है पेड़ से। अब उसके आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है। बॉस धमाका सिंह और उसका जासूस बेटा क्रुकबाण लुटेरे वृक्ष की छानबीन करने आए थे। तो आने दे, हमने तो अपना वृक्ष रात में ही वापस बुला लिया था। लेकिन धमाका सिंह जंगल के सभी वृक्षों को चेक कर रहा है। इसलिए हमने उसे पकड़कर पीट दिया, तभी क्रुकबाण वहाँ आ गया और उसने हमें बहुत मारा। यह बात है तो मुझे जल्दी नीचे उतारो, जो आ गया बॉस। गोगा नीचे झुका और बॉस की धड़ाम हो गई, इसको ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि बावला हो जाएगा। धम अपना क्रोध छुपाकर बॉस ने बुक्का फैलाया। तुम सब मिलकर उस पौधे को मेरे पास उठा लाओ। वे चारों पौधे के निकट पहुंच गए। बड़ा अजीब पौधा है, हमारा बॉस ऐसे ही अजीब पौधे उगाता है। अचानक पौधे में हरकत हुई और उसकी भुजाओं ने पिचकारी की भांति एक तरल पदार्थ फेंका। उफ क्या है ये? अगले ही पल उन चारों के शरीर में भयंकर खुजली बढ़ गई। उफ खुजली, मर गया बे। जब वे खुद अपनी खुजली न मिटा सके तो अबे तू मुझे खुजला दे, तुम भी मुझे खुजलाओ और खुजलाओ। यह खुजली तभी मिटेगी जब मैं चाहूँगा। मिटा दो बॉस, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बॉस को उन पर दया आ गई और लो मिट गई तुम्हारी खुजली। ओह चैन पड़ गया। फिस फिस, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया बॉस? इसलिए कि तुमने धमाका सिंह और क्रुकबाण को जीवित छोड़कर बहुत बड़ी भूल की है। केवल वही दोनों ऐसे हैं जो हमारे मिशन को फेल कर सकते हैं। अगर यह बात है तो आप आदेश दीजिए, मैं आज ही उन दोनों को गोली मार लाऊंगा। नहीं बेबे, गोली से मरने वाले नहीं है। मैंने उनको ठिकाने लगाने की दूसरी तरकीब सोची है, लेकिन इससे पूर्व हमें अपनी बैंक डकैती वाली स्कीम पूरी कर लेनी है। बॉस उनको विस्तार से अपनी स्कीम समझाने लगा। इधर कमिश्नर को जब धमाका सिंह के घायल होने का समाचार मिला तो वह उनसे मिलने पहुंचा। सुना है तुम्हें किसी ने ठोक पीट दिया है, यह सब आपके इस कारण हुआ है गुर्र। ओए मैंने क्या किया लल्लू? आपने ही मुझे लुटेरे वृक्ष की झूठी कहानी सुनाकर वहां भेज दिया। भला वृक्ष भी कहीं चोरी चकारी करते हैं? शायद तू ठीक कर रहा है यार, मेरे दोस्त भीपा जी ने भी मुझसे झूठ बोला होगा। अब मैं भी यही सोच रहा हूँ कि भला पेड़ या पौधे जीवित इंसानों जैसा आचरण कैसे कर सकते हैं। धमाका सिंह की नाराज़गी दूर करने के लिए कमिश्नर उनसे मीठी मीठी बातें करने लगा। इधर सिटी बैंक की एक ब्रांच में, ओए वह क्या ले जा रहे हैं बैंक में?
यह कैक्टस का पौधा हेड ऑफिस से हर ब्रांच में भेजा गया है ताकि सजावट के काम आ सके। चौकीदार ने उसे बैंक मैनेजर के कमरे में पहुंचा दिया है। कैक्टस, यह तो मुझे बहुत पसंद है, तो फिर यही रख देता हूँ, यह आपको संभाल लेगा। क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप इस कैक्टस को संभाल सकते हो। पौधा रखकर गोगा कमरे से बाहर निकला है। कुछ ही मिनटों में कैक्टस अपना काम शुरू कर देगा। मैनेजर पौधे की ओर ध्यान हटाकर अपने काम में व्यस्त हो गया और कैक्टस अपने काम में। सर, कैक्टस की साख को सांप की तरह रेंग कर अपनी ओर बढ़ता देख लेता तो शायद टॉयलेट जाना भूल जाता मैनेजर। खुराफाती कैक्टस उसकी सीट तक जा पहुंचा। कुछ देर बाद जब मैनेजर बाहर निकला, ही बथुओं के पराठों ने पेट को हारमोनियम बना रखा है, कल से नहीं खाऊंगा। उसने अपनी सीट पर तशरीफ़ रखी। आई, चीख की आवाज़ बाहर भी सुनी गई। हो गया काम मैनेजर साहब को, क्या हुआ? ही दो कर्मचारी लपक कर कमरे में पहुंचे। आए, यह मैं क्या देख रहा हूँ? अबे, देखता ही रह गए या कुछ करेगा भी? आकर मुझे छुड़ाओ। वे मैनेजर की सहायता के लिए आगे बढ़े तो कैक्टस उनसे लिपट गया। आई वी, कैक्टस के कांटों ने उनको लहूलुहान कर डाला। हाय उफ। बढ़ती हुई साखे कमरे से भी बाहर निकल गई। सर्राक सर्राक, ओ ये क्या बला है, सड़ाक। तभी गोगा के अन्य साथी भीतर घुसा है। कैक्टस इन्हें छोड़ेगा नहीं, जल्दी अपना काम करो। बदमाशों ने सारा कैश अपने थैलों में भर लिया। आज बॉस खुश हो जाएगा। बैंक से बाहर निकलने से पहले गोगा एक दवाई कैक्टस पर स्प्रे करना नहीं भूला। घबराओ नहीं, है तुम्हें जल्दी ही छोड़ देगा। लुटेरों ने जाने के कुछ ही मिनटों बाद कैक्टस ने सब कुछ मुक्त कर दिया। अबे कोई पुलिस को बुलाओ। डकैती का सारा समाचार सुनकर कमिश्नर स्वयं आ पहुंचा। किसने लूटा बैंक? कैक्टस के एक पौधे ने। व्हाट? पौधा बैंक कैसे लूट सकता है? जैसे इस अभागी तशरीफ को घायल कर सकता है। पूरी बात सुनकर कमिश्नर अचंभे में पड़ गया। मुझे दिखाओ कहाँ है वह पौधा। अब तो वह सिकुड़ कर छोटा हो चुका है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। कैक्टस अपने पहले वाले आकार में आ गया था। ओ, यह तो एक सुंदर पौधा लग रहा है, तो ज़रा इस पर बैठ कर देखिए। गुर्र, ठीक है, यह मामला बहुत गंभीर है, मुझे जांच करने दो। कमिश्नर ने इस घटना की खबर प्रेस को नहीं लगने दी और कैक्टस के पौधे को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवा दिया। इधर धमाका सिंह के घर की कॉल बेल किसी ने बजाई। ओए, दरवाजे पे कौन है? गुलाबो अनोखो, ज़रा देखो तो। टन 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 टन। क्रुकमॉन्ड और गुलाबती घर में थे ही नहीं। धमाका सिंह को स्वयं ही जाकर देखना पड़ा। आए, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। घंटी किसने बजाई थी? उसकी नज़र नीचे रखे पार्सल पर पड़ी। यह कौन रख गया? आपके तुरंत स्वस्थ होने की कामना सहित एक मित्र। ओ, मेरे किसी मित्र ने उपहार भेजा है। पार्सल को वह अपने बेडरूम में ले आया। पता नहीं इसमें से क्या निकलेगा। तभी क्रुकमॉन्ड वापस आ गया। यह क्या है बापू? ओ, यह कल के अंधे की आँख है क्या? इतना बड़ा पैकेट नहीं दिखाई देता? अचानक क्रुकमॉन्ड को खतरे का आभास हुआ। खतरा? ठहरो बापू, इस पैकेट में बम भी हो सकता है। बम? अबे तू उल्लू का बच्चा है, भला मुझे बम कौन भेजेगा? मगर मुझे खतरा महसूस कर रहा हूँ बापू। ओए, मेरे भीतर भी खतरा महसूस करने की एसपी मौजूद है और मुझे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है। यह ले, खोल दिया। किर्च। ऐ, यह क्या चीज़ है? पहले लोग शुभकामना में फूल भेजते थे, अब पौधे भेजने लगे हैं। इसे छूना मत बापू। क्रुकमॉन्ड की निरंतर खतरे का आभास हो रहा था। ओए चुप कर, इस सुंदर पौधे को मैं अपने कमरे में ही सजाऊंगा। तू जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ, लाता हूँ। क्रुकमॉन्ड के बाहर जाने के बाद, बहुत सुंदर है, ही। अचानक पौधे की शाखों में हरकत हुई और एक आश्चर्य प्रकट हुआ। सड़ाक पुई। धमाका सिंह को कानों में एक मध्यम स्वर गूंजा। अगर चिल्लाया तो दोनों हाथ कान उखाड़ कर हाथ में दे दूंगा। पौधा बोल रहा है?
हाँ, और मैं तुझे अपना गुलाम बनाने आया हूँ। कुछ ही क्षण बाद तेरे मस्तिष्क पर मेरा नियंत्रण हो जाएगा, फिर मैं जो आदेश दूंगा वही तुझे मानना होगा। धमाका सिंह को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कोई चीज़ घुसती जा रही है। कुछ क्षण बाद पौधे ने अपने काम छोड़कर अपना पहला आदेश दिया, सिर के बल खड़ा हो जा। ही। क्रुकबॉन्ड पानी लेके भीतर आया। तुम उल्टे क्यों खड़े हो बापू, उल्टा कहाँ हूँ बे, मैं तो बिल्कुल सीधा हूँ। तभी धमाका सिंह के कानों में पौधे का स्वर गूंजा, इस लल्लू की तुड़ाई कर डाल, तुझे उल्टा बता रहा है, सीधे हो जा बापू। धम। अगले ही पल उल्ले के पिल्ले धड़ाक, बापू। धमाका सिंह ने क्रुकबॉन्ड को कुछ बोलने का अवसर ही नहीं दिया और जूता लेकर चढ़ दौड़ा। टाट गंजी करके रख दूंगा बासी पराठे। क्रुकबॉन्ड बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाया और बापू ने उसे धूम कर रख दिया। ठाक तड़ाक ढाम उफ, भाग यहाँ से वरना। क्रुकबॉन्ड के सामने अब एक ही रास्ता बचा, लपक ले बेटा, तेरा बाप पागल हो गया है। फटाक हुई। अपने कमरे में आकर उसने अपनी चैन की सांस ली। ओए, आज तो बापू ने मेरी सारी चीज़ें थपक दी है, मगर उन्हें अचानक हो क्या गया, खतरा, मुझे फिर खतरे का आभास हो रहा है। लगता है जैसे कोई घर में रहस्यमय शक्ति घुस आई है। अरे हाँ, वो पौधा। तुरंत ही वह दोबारा धमाका सिंह के कमरे की ओर चल दिया। उस रहस्यमय पौधे के घर में आते ही बापू का आचरण बदल गया है। देखता हूँ बापू पौधे के साथ क्या कर रहा है। अगले पर ढिशुम या सड़े करेले, मैं जानता था कि तू दोबारा जरूर आएगा, भाग बेटा क्रुकबॉन्ड। इस बार धमाका सिंह उसे घर से बाहर तक खदेड़ कर आया। बचाओ पी टी। इस मुसीबत के समय क्रुकबॉन्ड को कमिश्नर अंकल की याद आए। अंकल, ओए की होया तेनू, मेरा बापू बावला हो गया है कमिश्नर अंकल, उसे पागल खाने भिजवा दो। ओए ठंड कर आराम नाल बह जा, तय फिर दल किए। क्रुकबॉन्ड ने पूरी बात बता दी। ओए तो तुझे शक है कि धमाका सिंह उस पौधे के घर में आते ही पागल हो गया है। यस अंकल, अब मुझे विश्वास होता जा रहा है कि किसी सताली प्रकार के पेड़ पौधे ने शहर पर हल्ला बोल दिया है। तभी एक संतरी कैक्टस का पौधा उठाए भीतर प्रविष्ट हुआ। इस पौधे की जांच नहीं हो सकी सर, क्योंकि हमारे प्रख्यात वनस्पति वैज्ञानिक प्रोफेसर झाड़ीलाल पेड़िया अपने प्रयोगशाला से गायब है। ओए कितने गया वो झाड़ीलाल, आप शायद भूल गए अंकल, प्रोफेसर झाड़ीलाल तो एक महीने पहले गायब हो गए थे। यह खबर अखबारों में छपी थी कि उनका अपहरण हो गया है। और मैंने याद आया, तो अब इस कैक्टस की जांच कौन करेगा, कमिश्नर ने अब उसे कैक्टस का कारनामा बताया। तो ओह, अगर ये पौधा इतना रहस्यमय है तो इसकी जांच अपने प्रोफेसर ठुमका से करा सकता हूँ। तो जल्दी करा ला बांड पुत्र, मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। लेकिन मेरे बापू का क्या होगा। ओए उसे कुछ नहीं होने वाला, ऐवें ही ड्रामा कर रहा होगा, तू जा तो सही। बांड कैक्टस को उठाकर प्रोफेसर ठुमका की कोठी की ओर रवाना हो गया। उसके जाने के बाद कमिश्नर ने अपने दिमागी घोड़ों को खुला छोड़ दिया। यह बड़ी अजीब बात है कि पेड़ पौधों डॉक्टर वैज्ञानिक प्रोफेसर झाड़ीलाल पेड़िया के गायब होते ही शहर में शैतानी पेड़ पौधे घुस आए। पता नहीं झाड़ीलाल इस समय कहाँ होगा। प्रोफेसर झाड़ीलाल पेड़िया अपने फार्म हाउस में एक विचित्र से पौधे के सामने खड़ा था। हे, अदरक की गांठ जब से मेरे हाथ लगी है मेरे तो वारे न्यारे हो गए। वास्तव में झाड़ीलाल पेड़िया ही पेड़ पौधों द्वारा आपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है, लेकिन अदरक की गांठ ने को उसका खुश होना ज़्यादा पसंद नहीं है। डम पुई। ओह, इसे अदरक का गांठ कहलाना पसंद नहीं है, यह तो मैं भूल ही गया था। उसे इस जीवित मुसीबत से अपनी पहली भेंट याद आ गई। उस रात झाड़ीलाल फार्म हाउस पर ही रुक गया था। वाह कितनी सुहानी रात है, जी चाहता है कि अब यही फार्म हाउस पर आकर रहने लगूं। अचानक ही आकाश से कोई चीज़ आकर गिरी और जूम, लगता है मेरे अंगना में सितारा टूटकर गिरा है। ओए बल्ले बल्ले। झाड़ियों में पहुंचकर उसे हैरानी हुई, आए इतनी बड़ी अदरक की गांठ,
अगले पल उसका बुक्का ही फैलता चला गया। बचाओ सर राख, डर मत बे, मैं तुझे मारूंगा नहीं। ऐ यह कौन बोल रहा है? उसके कानों में एक स्वर गूंजा था। स्वर दोबारा गूंजा, मुझे बहुत दूर अंतरिक्ष से यहाँ फेंका गया है, तू मुझे एलियन भी कह सकता है, लेकिन मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे बहुत काम आऊँगा। मुझ में ऐसी शक्ति है कि तो जो तुझे मालामाल कर देगी। उदाहरण के तौर पर यहाँ के किसी भी पेड़ पौधे को कोई आदेश देकर देख। अपने आश्चर्य को त्याग कर उसने पपीते के पेड़ की ओर देखा। ओए मुझे एक पपीता खिला दे। आदेश का पालन हुआ। फचाक आई। देखा, अब मुझ में पेड़ पौधों को जीवित करने की और उनसे अपनी इच्छा अनुसार काम लेने की शक्ति है। तू अगर चाहे तो मेरी शक्ति का उपयोग कर सकता है। जरूर करूँगा, तू बड़े काम की चीज़ है। अदरक की गांठ या नाम मुझे पसंद नहीं। धड़ाम आ, मैं ऐसा दोबारा नहीं कहूँगा। ठीक है, अब बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। बस उसी दिन से प्रोफेसर झाड़ीलाल पीड़िया पेड़ पौधों द्वारा आपराधिक गतिविधियों का संचालन करने लगा, और अब वह एलियन को अपने नए कारनामे की रिपोर्ट दे रहा था। धमाका सिंह हमारे भेजे गए पौधे का गुलाम बन चुका है, अब उसे अगला आदेश देना चाहिए। आदेश देने का काम मैं खुद करूँगा, तू तो बस माल समेटने की तैयारी कर। झाड़ीलाल खुशी से गदगद होकर अपने कमरे की ओर चल दिया। यह मूर्ख मानव धन समेटने में लगा रहेगा और मैं धीरे धीरे धरती के सभी पेड़ पौधों को जीवित करके यहाँ के इंसानों का बाजा बजा दूंगा। वास्तव में एलियन जिस ग्रह से आया था वहाँ जीवन का स्वरूप यही था, और अब वह धरती पर इंसानों को समाप्त करके वहाँ पेड़ पौधों का राज स्थापित करना चाहता था। लेकिन ग्रेट जासूस क्रुकबॉन्ड और महान वैज्ञानिक प्रोफेसर ठुमका के रहते कार्य सरल नहीं था। ओ माय गॉड, यह मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। तुम तो गधे के बच्चे हो बांडे प्यारे। माइंड योर टंग प्रोफेसर, मेरा बाप एक नामी पुलिस अफसर है। गुर्र, वो तो ठीक है बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि यह पौधा इंसानों की तरह सोच सकता है। मैं इसके विचार पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? जल्दी बताओ। डाका, सेंट्रल बैंक में रखा सारा सोना लूट लिया जाएगा। क्या बक रहे हो यार, यह बकवास नहीं है, पौधे के विचार यही कह रहे हैं। इससे आगे अभी मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, तो तुम आगे पढ़ने का प्रयास करते रहो, मैं जाकर कमिश्नर अंकल को सावधान करता हूँ। इधर धमाका सिंह गुलामों की तरह उस पौधे के सामने खड़ा था। अब मुझे और क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपना पिछवाड़ा मेरी तरफ घुमा दो। क्रुकबॉन्ड तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गया और धमाका सिंह ने कैक्टस के पौधे का धमाका माला। धमाका सिंह ने आदेश का पालन किया। लो सर, ले लिया। खच पुई। घबराता क्यों है मूर्ख मानव? एक सुई ही तो लगाई है। क्यों लगाई है? उत्तर उसे अपने आप मिल गया। यह क्या निकला है मेरे सिर में? पी टी, तोड़ कर देख। अबे मेरे सिर में मनी प्लांट उग गया है, मगर कैसे को भूल जाओ और मेरी बात ध्यान से सुन ले। मैं जो कुछ कहूँगा तुझे उसका पालन करना है। उई करूँगा। उधर क्रुकबॉन्ड और कमिश्नर सेंट्रल बैंक जा पहुँचे। बैंक का सारा सोना इसी वॉल्ट में रखा है कमिश्नर साहब। बैंक मैनेजर उसे वॉल्ट दिखाने लाया था। वॉल्ट तो मुझे बहुत मजबूत है, फिर भी हमें चेक कर लेना चाहिए। कमिश्नर जैसे ही वॉल्ट को छुआ उसे ज़ोरदार करंट लगा। ई हे, यह तो हमारी सुरक्षा प्रणाली का एक नमूना है। बिना आज्ञा जो भी वॉल्ट को छुएगा उसे करंट लग जाएगा। ही। गुर, यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? ही, आपने सीक्रेट पहले नहीं बताए जाते मिस्टर बांड। ठीक है, तुम अपने सीक्रेट छुपाए रहो और हमें अपना काम करने दो। हमने बैंक नाकाबंदी कर रखी है, कर दी है, और तुम्हें बस इतना करना है कि पुलिस अधिकारियों के सिवाय किसी को भी आज बैंक के भीतर नहीं आने दूंगा जी। और क्या करना है? हमें यह वोल्ट खोलकर दिखाओ। मैनेजर ने एक दीवार में लगे कुछ स्विच ऑफ ऑन किए, फिर वोल्ट खोला। फिर भीतर रखा सोना देखकर बांड का बुक्का फटा रह गया। इतना सोना, हैरान बाद में हो लेना पुत्र, पहले वो कर लो जो करने आया है।
रूक बॉन्ड वॉल्ट के भीतर घुस गया, तुरंत ही बाहर निकल आया। मैंने चेक कर लिया अंकल, वॉल्ट में कोई कमी नहीं है। ठीक है, वॉल्ट को बंद कर दो मैनेजर। कर देता हूँ जी, और क्या करना है। और यह कि अपने दांत बंद रखो वरना मक्खी लात मार सकती है। मैनेजर को सावधान रहने की चेतावनी देकर वे बाहर निकल गए। उनके जाने के कुछ देर बाद धमाका सिंह वहाँ पहुँचा। ओए इंस्पेक्टर साहब आए हैं। चर। सब इंस्पेक्टर के निकट पहुंचकर उसने जेब से एक फूल निकाला। सर ठीक है ठीक है, हमारी ओर से यह गुलाब का फूल स्वीकार करो। धन्यवाद सर। इंस्पेक्टर ने फूल लेकर सूंघा और अगले पल उस पर कुछ विचित्र प्रतिक्रियाएं होने लगी। पी 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 सी सू सू। इसके बाद वह स्टैचू की भांति निर्जीव होकर अपने स्थान पर खड़ा रह गया। ही इसकी सारी चीज़ें हिलनी बंद हो गई। उसे वहाँ खड़ा छोड़कर धमाका सिंह मैनेजर के कमरे में पहुँचा। मुझे तुम्हारे वॉल्ट रूम का निरीक्षण करना है मैनेजर। मगर अभी भी तो कमिश्नर साहब निरीक्षण करके गए हैं। ही उन्होंने मुझे दोबारा भेजा है, दांत बंद करके मेरे साथ चलो। तो चलिए। ही वॉल्ट रूम के दरवाजे पहुँच कर तुम बाहर ही रुको, मैं चेक करके आता हूँ। कराओ जी, मगर वॉल्ट को अपने हाथ न लगाना वरना तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें खड़ी हो जाएंगी। ही भीतर घुसते ही धमाका सिंह के सिर में मनी प्लांट उग गया सर्राट। उसने तुरंत प्लांट को उस शाखा को तोड़कर एक कोने में डाल दिया। बस यही करना है मुझे। एक शाख के टूटते ही सिर में दूसरी शाख उग गई, एक और आ गई। इसी तरह सिर में उगी पौधों की शाखों को तोड़कर वह कक्ष में भेजता रहा, फिर बाहर आ गया। चलो मैंने सब चेक कर लिया है, बड़ी मेहरबानी आपकी। ही मैनेजर उसे बाहर तक छोड़ने आया। अरे आपका सब इंस्पेक्टर ड्यूटी पर सो रहा है, पूछ उखाड़ दूंगा साले की। गुर्र, एक झापड़ पड़ते ही सब सक्रिय हो गया। ड्यूटी पर सोता है साले, वही दोबारा ऐसी हरकत की तो सस्पेंड करा दूंगा। यह तो बड़ा कड़क अफसर है। ही कड़क अफसर भीतर जो साखे छोड़ आया था उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। पी टी और अब वह पौधे इंसानों जैसा आचरण करने लगे। खट 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 खट, पौधों की पत्तियां अब इंसानी हाथों की भांति कार्यरत थी। वॉल्ट खुल गया, फिर शुरू हुई एक आश्चर्यजनक डकैती। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। सोने की ईंटें रेशमदान से होकर बाहर निकलने लगी। बाहर गोगा अपने साथियों के साथ मौजूद था। आई यह 10 मिनट के भीतर अपना काम निपटाकर पौधे भी छत घर से बाहर निकल आए। सबको समेट कर वैन में डालो, कमिश्नर के निर्देशानुसार मैनेजर थोड़ी देर बाद वॉल्ट रूम को चेक करने पहुंचा। पुइया, यह क्या हुआ है? सूचना मिलते ही कमिश्नर और क्रुकबांड वहां आ पहुंचे। ओए जब यहां कोई आया गया नहीं तो फिर यह डाका कैसे पड़ गया? पता नहीं जी। ही स्टॉप दिस। ओए जब यहाँ आया है ही नहीं तो फिर डाका कैसे पड़ गया? स्टॉप दिस। कमिश्नर के निर्देशानुसार मैनेजर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद अपना काम निपटा कर पौधे भी वहाँ से बाहर निकल आए।
बाहर गोगा अपने साथियों के साथ मौजूद था। यह आई 10 मिनट के भीतर अपना काम निपटा कर पौधे भी बाहर निकल आए। सबको समेट कर वैन में डालो। कमिश्नर के निर्देशानुसार मैनेजर थोड़ी देर बाद वॉल्ट रूम को चेक करने पहुंचा। पुईया यह क्या हुआ? सूचना मिलते ही कमिश्नर और क्रुकबांड वहाँ पहुँचे। ओए जब यहाँ कोई आया नहीं था तो फिर डाका कैसे पड़ गया? पता नहीं जी। स्टॉप दिस, तड़ाक पुई। मैं सच कह रहा हूँ जी, यहाँ इंस्पेक्टर धमाका सिंह के अलावा और कोई नहीं आया था। आई मेरे बापू यहाँ आए थे। अचानक रुबांड के दिमाग में ESP ने खतरे का सिग्नल दिया। खतरा? घर पर बापू खतरे में है। बापू? ओए तेनी की होया तेनो? मेरा बापू किसी खतरे में अंकल? मैं तो चला। उधर धमाका सिंह वापस घर पहुँचा। मैं तुम्हारा कम आया हूँ, काम कराया हूँ मिस्टर प्लांट। गुड, अब तो तुम्हारा काम मैं तुम्हारा काम तमाम करूँगा। अगले ही पल पौधे का आकार बढ़ने लगा। सर। उसने अपना मुंह खोल दिया। वुश, हाय बजरंग बली, आज चबा डालूँगा तेरी नली। नहीं बचाओ। ही। सड़क उई। आजा, अब तेरा काम ख़त्म हो चुका, इसलिए तुझे मैं अपनी खुराक बना लेता हूँ। तभी निर्देशानुसार वहाँ आप पहुँचा क्रुकबांड। हाय राम, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बचाओ। अबे ओ पतीले के क्रू, ढक्कन देखता ही रह गया, मुझे बचाएगा भी? क्रुकबांड ने तुरंत अपने आश्चर्य को लात मार दिया। ओ नरभक्षी वृक्ष, छोड़ दे मेरे बापू को। वुश, चढ़ो। आह, उसे लंबा करके पौधे ने धमाका सिंह को खींच लिया। हाय राम, मेरे बापू को धोखा गया, बचाओ। ओए गोली से उड़ा दूंगा। क्रुकबांड ने तुरंत अपने आश्चर्य को लात मार दिया। ओ नरभक्षी वृक्ष, छोड़ मेरे बापू को। ढिशुम धड़ाम वुश, उसे लंबा करके पौधे ने धमाका सिंह को खींच लिया। ई सड़क, हाय राम, मेरे बापू को खा गया, बचाओ। वुश, तिपाई के कारण पौधे का मुंह बंद नहीं पाया। निकल जा बापू, बचा ले बजरंग बली। चर्राक बच गया। शिकार को निकलते देख पौधे ने फिर अपनी शाखें फैला दी। रिवॉल्वर, धमाका सिंह का रिवॉल्वर होलस्टर से निकल कर गिर गया था। गोली से उड़ा दूंगा, ठाए ठक। ओफ, इस पर तो गोली का प्रभाव ही नहीं हुआ। अगले पल क्रुकबांड भी पौधे के खड़पच्चे में आ गया। गुर्र गुर्र, आ आ। उससे सहारा लेने के लिए हाथ चलाया तो टेबल लैंप का तार हाथ में आ गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? नरभक्षी पौधे ने उसे लील जाने के लिए मुंह फैलाया। आइडिया। अगले ही पर चमत्कार हो गया। जूम, करंट लगते ही वह नरभक्षी पौधा सूखे पत्ते की तरह भस्म हो गया। हे राम, धमाका सिंह ने अपने पुत्र से लिपट गया। तूने मुझे बचा लिया नोखे, मेरे सोड़े, मेरे लल्ला। पुछ, पीछे हटो बापू, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि यह पौधा खतरनाक हो सकता है। क्षमा कर दे पुत्र, मैंने तेरी बात इसलिए नहीं मानी थी कि मुझे ESP पर भरोसा था। ESP क्या? मेरा मित्र पटटेड़ी मुझे एक पत्थर की गेंद देकर गया था जिससे लगातार देखने से दिमाग में ESP पैदा हो जाती है और आदमी को हर खतरे का पूर्वाभास होने लगता है। आई, खतरे का पूर्वाभास तो मुझे होने लगा है। अरे हाँ, और यह तभी से हो रहा है जब से मैंने उस पॉल को लगातार देखा था। क्या सोचने लगा पुत्र? अब मैं इन्हें क्या बताऊँ कि इनकी बॉल किसी तरह मेरे काम आ गई है। हे, कुछ नहीं बापू। तभी कमिश्नर वहाँ आ पहुँचा। हैंड्स अप, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ धमाका सिंह। क्यों सर जी, मैंने किसकी दुम पर पांव रख दिया है? शट अप, तुमने सेंट्रल बैंक का सारा सोना गायब किया है, तुम डाकू बन गए हो। एक मिनट सर जी, डाकू मैंने यह पौधा था लेकिन मेरे पुत्र ने इसे मार डाला है। पौधे ने उससे जो भी काम कराए लिए थे वे सब धमाका सिंह ने बयान कर दिए।
बापू ठीक कह रहे हैं अंकल, मैं भी इस पौधे के हाथे मरने से बचा हूँ। अब तो यह पता लगाना ही होगा कि यह शैतान पौधे किसने उगाया है। ओए पहले यह पता लगाओ कि बैंक का सोना कहाँ गया, वरना मेरी कमिश्नरी खतरे में पड़ जाएगी। चिंता न कीजिए अंकल, मैंने उसे सोने की एक ईंट पर माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका दिया था, अब उसके सिग्नल कैच कराते हुए मैं सोने को ढूंढ निकालूंगा। तो फिर जल्दी ढूंढ निकाल पुत्र। इधर झाड़ीलाल पेड़िया को एलियन ने फटकार लगाई, तुम्हारे कारण मेरा एकांत समाप्त हो गया है। मुझे अभी सिग्नल मिला है कि क्रुकबॉन्ड ने उसे करंट लगाकर मार डाला है। यह तो बुरा हुआ, क्रुकबॉन्ड तो बड़ा ही खतरनाक जासूस है, वह यहाँ भी पहुँच सकता है। यहाँ पहुँचने से पहले उसे ख़त्म कर डालो, वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा। मैं अभी गोगा को भेज कर उसे ख़त्म करा देता हूँ। गोगा एंड कंपनी क्रुकबॉन्ड के घर निकट पहुँच गई। वह जब बाहर आएगा हम उसका पीछा करेंगे और किसी सुनसान स्थान पर पहुँचते हुए उसे गोलियों से भून डालेंगे। अब यह गोगा का दुर्भाग्य था कि क्रुकबॉन्ड ने उस दिन अपनी सुपर कार का उपयोग करने का निर्णय लिया था। चलो मित्र होल्डोल, पहले प्रोफेसर ठुमका से मिलेंगे, फिर सोने की तलाश करेंगे। ओके मास्टर। सुपर कार गैराज से निकलकर दौड़ पड़ी। आए बड़ी तेज जा रही है, पीछा करो। जूम। ब्रांड को देखते ही शुरू हो गया था प्रोसेस ठुमका। ओए मैंने उन शैतानी पौधों को समाप्त करने की दवाई बना ली है, यह देख। तुमने ये बहुत अच्छा किया प्रोफेसर, वरना मेरे हाथ में कुछ। यह तुमने बहुत अच्छा किया प्रोफेसर, मेरे साथ चलो, आज ही मैं उनके अड्डे का पता लगा कर रहूँगा। प्रोफेसर ठुमका उसके साथ सुपर कार में आ बैठा। होल्डोल, वह सिग्नल रिसीव कर रहा है जो मेरे ट्रांसमीटर पर प्रसारित हो रहे हैं, यह हमें जल्दी ही सोने के पास पहुंचा देगा। सुपर कार तेज़ी से एक दिशा में दौड़ने लगी। आई यह तो हमारे अड्डे की ओर जा रहा है। बदमाशों ने अपनी कार की गति बढ़ाई और फायरिंग शुरू कर दी। धा 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 धा। वो ये गोलियां कौन चला रहा है? लगता है बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। प्रोफेसर यह लोग अवश्य ही शैतानी टोले के सदस्य हैं। मैं इन सबको संभाल सकता हूँ मास्टर। शाबाश होल्डोल, तुम अपना कमाल दिखाओ। सुपर कार की डिक्की खुली, वुश रोड बढ़ा देना। सुपर कार की डिक्की खुली वुश और बदमाशों की हवा संट हो गई। गोगा उसकी कार में तोप है। गोगा के कुछ समझ पूरने से पूर्व घूम। बांड को देखते ही शुरू हो गया प्रोफेसर ठुमका। आए बड़ी तेज जा रही है, पीछा करो। सुपर कार गैराज से निकलकर दौड़ पड़ी। जूम। गोगा एक कंपनी क्रुकबॉन्ड के घर निकट पहुंच गई थी। जब वह बाहर आएगा तो हम उसका पीछा करेंगे और किसी सुनसान स्थान पर पहुंचते ही उसे गोलियों से भून डालेंगे। अब यह गोगा का दुर्भाग्य था कि क्रुकबॉन्ड ने उसे दिया अपनी सुपर कार का उपयोग करने का निर्णय कर लिया। चलो मिस्टर होल्डोल, पहले फिर प्रोफेसर ठुमका से मिलेंगे और फिर सोने की तलाश करेंगे। ओके मास्टर। चलो मित्र होल्डर, प्रोफेसर पहले प्रोफेसर ठुमका से मिलेंगे और फिर सोने की तलाश करेंगे। ओके मास्टर। सुपर कार गैराज से बाहर निकलकर दौड़ने लगी। आया बड़ी तेज चल रही है, पीछा करो उसका। जूम। बांड को देखते देखते वो शुरू हो गया राहिसोर। शैतानी उस रूम मैंने कितनी
इतने शैतानी पौधों को समाप्त करने वाली दवाई बना दिया था। यदि यह तुमने बहुत अच्छा किया प्रोफेसर, मेरे साथ चलो, आज मैं उनके अड्डे का पता ला करूँगा। बांड को देखते ही शुरू हो गया प्रोफेसर ठुमका। ओए, मैंने उन शैतानी पौधों को उखाड़ समाप्त करने की दवाई बना ली है, ये देख। ये तुमने बहुत अच्छा किया प्रोफेसर, मेरे साथ चलो, आज ही मैं उसके अड्डे का पता लगा कर रहूँगा। प्रोफेसर ठुमका उसके साथ सुपर कार में जा बैठा। होल्ड ऑल, वह सिग्नल रिसीव कर रहा है जो मेरे ट्रांसमीटर से प्रसारित हो रहे हैं। यह हमें जल्दी ही सोने के पास पहुँचा देगा। लगता है यह लोग अवश्य ही किसी शैतानी टोले के सदस्य हैं। मैं इनको संभाल लेता हूँ मास्टर, शाबाश होल्कर, तुम अपना काम करो। शाबाश होल्डर, तुम अपना कमाल दिखाओ। सुबर का कार की डिक्की खुली, वुश, और बदमाशों की हवा गीली हो गई। उसकी कार में तो तोप है। गोगा की कुछ समझ पाने से पुल रही, बूम। कुछ ही पड़ों बाद समझाने की ज़रूरत नहीं थी। हाय राम, हम तो नंगे होकर लटक गए। बदमाशों का बाजा बजाकर सुपर कार फार्म हाउस के पास जा रुकी। सिग्नल यहीं से मिल रहा है, यानी सोना लूटकर यहीं लाया गया है, और शैतानी पौधे भी यहीं उगाए जाते होंगे। क्रुकबॉन्ड ने होल्डोल को आदेश दिया, तुम जाओ कमिश्नर अंकल और मेरे बापू को यहाँ ले आओ, तब तक हम देखते हैं कि यहाँ क्या गोलमाल हो रहा है। ओके मास्टर। चार दीवारी कूदकर वह फार्म हाउस में पहुंच गए। ओ यह तो यहाँ बड़े अजीब अजीब पौधे उगे हुए हैं। जरा गेंदे के इन फूलों को देखो, कितने बड़े हैं। अगले ही पल निशुम आउख, तभी वहाँ उठे वृक्ष जीवित हो उठे। ओए, हमारे चारों ओर शैतानी पौधे हैं प्रोफेसर। सर्राक, भागो। क्रुकबॉन्ड को एक पेड़ ने लपेट लिया। प्रोफेसर थुमका ने जेब से दवाई भरा सिलेंडर निकाला। घबराओ नहीं क्रुकबॉन्ड, मैं तुम्हें छुड़वा लूँगा। फिर पेड़ पर तुरंत ही दवाई का प्रभाव हुआ। टी टी, ओह, मैं मुक्त हो गया। तभी एक पेड़ ने उसका फल टूटकर प्रोफेसर थुमका के सिर पर गिरा, टपाक। ओ, इसी के साथ ही उगी घास भी सक्रिय उठी। जर जू, प्रोफेसर ठुमका को घास ने लपेट लिया। उफ, यह क्या मुसीबत है। क्रुकबॉन्ड भी घास के जाल में फंस गया। क्रुकबॉन्ड, अब हम क्या करें। तभी झाड़ीलाल पिड़िया वहां आ पहुंचा। ग्रेट जासूस क्रुकबॉन्ड और महान जासूस प्रोफेसर ठुमका घास खा रहे हैं। प्रोफेसर झाड़ीलाल पिड़िया, ठीक पहचाना मिस्टर बांड, मैं ही इन जीवित पेड़ पौधों का मालिक हूँ। मेरे रास्ते में आकर तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मारना मत झाड़ीलाल, मैं तो मारूँगा। धड़ाक धड़ाक, झाड़ीलाल के बच्चे, मेरी अनुमति लिए बिना तू इन्हें नहीं मार सकता, क्योंकि यह मेरे शिकार है। यह कौन बोल रहा है, मैं तुम्हारे सामने हूँ मूर्ख मानो। उफ, यह क्या बला है। तो मुझे एलियन कह सकते हो, मेरे भीतर से जो ऊर्जा निकल रही है उसी समय इन पेड़ पौधों में प्राण फूके हैं। लेकिन तुम चाहते क्या हो। मैं तुम्हारी धरती पर अधिकार करने आया हूँ, झाड़ीलाल की तरह तुम भी मेरा साथ दोगे तो यहाँ का सारा धन समेट कर तुम्हें दे दूँगा। धन, अरे वाह, फिर तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूँगा, लेकिन पहले मुझे मुक्त तो करा तो करो। यह तुम क्या कर रहे हो बांड, अपनी धरती को एलियन के हवाले कर दोगे। चुब्बे, धन पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शाबाश, तुम समझदार मानव हो और तुम्हें इसलिए मुक्त कर रहा हूँ। सर, मुक्त होते ही क्रुकबॉन्ड ने अपना कोट उतारा और एलियन को उछाल दिया। मेरी ओर से यह उपहार स्वीकार करो। सर राख, अचानक ही सक्रिय हुए पेड़ पौधे अपने स्थान पर रुक गए। घास भी मैदान में दोबारा फैल गई। अरे यह क्या हुआ, मैं भी मुक्त हो गया। क्रुकबॉन्ड ने झाड़ीलाल को आश्चर्य का लाभ उठाया। धड़ाक, आ, झाड़ीलाल ने बंदूक से ही उसकी खोपड़ी खोल डाली। क्रुकबॉन्ड ने ठक, आ, प्रोफेसर ठुमका लपट कर निकट आया। यह क्या चमत्कार कर दिया तुमने, एलियन की शक्ति कहाँ गई। उसके शरीर से निकल रही ऊर्जा को मेरे कोट ने रोक दिया प्रोफेसर,
उस जब उसने बताया कि उसके भीतर से ऊर्जा निकल रही है, तभी मुझे ये आइडिया आया कि उसे ढक दिया जाए तो शायद वह ऊर्जा पेड़ पौधों तक ना पहुंच सके। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया बांडियर, अब हमें इन सभी पौधों पर अपनी दवाई छिड़क देनी चाहिए ताकि यह दोबारा एलियन के प्रभाव में ना आ सके। ठीक है, एलियन से हम बाद में निपट लेंगे। वे वृक्षों पर दवाई छिड़कने में व्यस्त हो गए। फिस फिस। तभी कमिश्नर और धमाका सिंह वहाँ आ पहुँचे। होल्डोल यह कह रहा था कि क्रुकबांड हमें यहीं मिलेगा। पेड़ों के बीच पहुंचकर क्रुकबांड चौंक पड़ा। अरे, यह तो मेरे पुत्र का कोट है। एलियन पर से कोट हटते ही उसकी ऊर्जा बाहर निकलनी शुरू हो गई। वुश, अरे ओह, वुश। यह क्या हो गया कि धमाका सिंह, मैंने तुम दोनों को अपना बंदी बना लिया है। क्रुकबांड को मेरे सामने झुकना ही होगा। क्रुकबांड को तुरंत ही खतरे का आभास हो गया। कुछ गड़बड़ हो गई है प्रोफेसर। वहाँ का दृश्य देखकर क्रुकबांड का बुक्का फट गया। बापू, हा 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 हा, तुम्हें नहीं मालूम था, यह नहीं मालूम था कि मैं मानवों को भी पेड़ों में परिवर्तित कर सकता हूँ। छोड़ दे मेरे बापू को और अंकल को, वरना सारी गोलियों से भून डालूंगा। मुझ पर तेरी गोलियों का प्रभाव नहीं होगा मूर्ख। देख तेरे बाप को के कहाँ पौधा उग रहा है। बापू, उई पड़ाक। बाकू के पास आ जा तू भी। उफ सड़ाक। एलियन ने उसे अपनी ओर खींचना आरंभ किया। आई, अचानक उसकी नज़र ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों पर पड़ी। मैं एक चांस ले ही सकता हूँ, धाएँ। निशाना बिल्कुल सही ठीक लगा और बिजली का तार टूटकर नीचे एलियन पर आ गिरा। धड़ाक, भक। हाई वोल्टेज करंट ने एलियन को भस्म कर डाला। निशाना बिल्कुल सही लगा और बिजली की तार टूटकर नीचे एलियन पर आ गई। आह भक। हाई वोल्टेज करंट ने एलियन को भस्म कर डाला। अगले ही पल धमाका सिंह और कमिश्नर के शरीर पर उगे निर्जीव होकर पौधे गिर पड़े। तूने हमें बचा लिया बांड बेटा, आखिर पुत्र किसका है। प्रोफेसर ठुमका भी आ पहुँचा। इसके केवल आप लोगों को ही नहीं पूरी दुनिया को बता दिया है कि अगर ये एलियन को न मरता तो यहाँ के सारे इंसानों को पेड़ बना डालता। चुप रहो तुम, मुझे बैंक से लूटे गए सोने की चिंता सता रही है। चिंता की बात ही नहीं अंकल, सोना हमें यही मिल जाएगा। फार्म हाउस की इमारत से जल्दी ही सारा सोना बरामद हो चुका था। अगले दिन अखबारों में क्रुकबांड के इस कारनामे का समाचार मुख्य पृष्ठ पर छपा और दुनिया भर में क्रुकबांड के नाम का डंका बज गया। समाप्त। तो गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? ऐसी शानदार स्टोरी मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ और पर्सनली मनोज कॉमिक्स मेरा फेवरेट कॉमिक्स है, खास करके क्रुकबांड, राम रहीम, अजगर, तूफान, बहुत शानदार कॉमिक्स उसने छोड़े थे। शायद मेरे को उम्मीद है 80-85 के आसपास इस तरह का बनना स्टार्ट हुआ था कॉमिक्स। हालांकि रिकॉर्ड तो पहले के भी हैं, जैसे भूतनाथ हो गए थे, भूतनाथ बहुत पहले कॉमिक्स आता था। पेड़ों के पीछे पहुंचकर धमाका सिंह चौंक पड़ा। तो गाइस, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें आप लोग और कोशिश करें कि हम उनसे थोड़ा सा दूरी बनाएं। क्या चीज़?